जब आमिर खान ने अमिताभ बच्चन की फिल्म को कहा था मैनिपुलेटिव, दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच हुई थी बड़ी आर्ग्यूमेंट। सुनना काफी हैरान करता है कि अमिताभ बच्चन और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बीच कभी फिल्म को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिल्म ब्लैक की। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो हर जगह इस फिल्म को खूब प्रशंसा मिली, लेकिन सिर्फ ऐसे एक शख्स थे जिन्हें ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो थे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। आमिर खान ने उस वक्त अपने ब्लॉग पर लिखा था, My big exception towards black is the fact that a child with severe difficulty is shown being ill-treated instead of being treated with love, care and understanding. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। फिल्म के राइटर या डायरेक्टर अपने डिफेंस में कुछ भी कहे, मेरे लिए ये फिल्म बिल्कुल भी सही नहीं है। आमिर खान ने अपने इस ब्लॉग में आगे कहा, जब मैं ये फिल्म देख रहा था मुझे लगा कि मैं टेमिंग ऑफ द श्रू का रिप ऑफ वर्जन देख रहा हूँ। मुझे यह फिल्म बच्चों की तरफ काफी इनसेंसिटिव लगी। आखिर आप बच्चों की डिसेबिलिटी को इतना ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हैं? ये फिल्म पूरी तरह से काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव है और मुझे इस बात को बोलने में कोई झिझक नहीं हो रही है कि आखिर ऐसी फिल्में सिनेमा में क्यों बनाई जा रही हैं। फिर चाहे उसमें मैं भी क्यों ना शामिल हूँ, अगर मैंने पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में कभी भी ऐसा काम किया तो मैं भी गलत रहूंगा। ये काफी हद तक इनसेंसिटिव है और काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव भी है। वो तो डायरेक्टर के आर्ट की वजह से हमें मैनिपुलेशन नजर नहीं आ रहा। जब बिग बी ने आमिर के इन सभी बयानों को सुना तो वो भी भड़क उठे। बिग बी ने भी उन्हें जवाब देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अमिताभ बच्चन ने कहा, अगर आमिर इस फिल्म से ना खुश हैं तो वो ये जता सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा खुद को नई चीजों से एजुकेट करने में पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं ये देखना पसंद करूंगा कि आखिर उन्होंने सिनेमा में क्या चेंज लाया है। अमिताभ बच्चन ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिन किसी भी फिल्म में आमिर ने काम किया है उनमें भी वही सारी चीजें नजर आती हैं जिनका वो फिलहाल विरोध कर रहे हैं, चाहे वो हैंडीकैप इंसान को दिखाना हो, पॉलिटिकल करेक्शन हो, या फिर उनकी फिल्म लगान में एक क्रिपल इंसान को अपनी टीम में खिलाना हो, या फिर अंततः उनकी फिल्म फना में एक नेत्रहीन लड़की के साथ सेंसिटिविटीज हो। अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आमिर खान को क्या इश्यूज हैं। अमिताभ ने बताया कि आमिर खान उनसे जुड़े इस फिल्म में रानी मुखर्जी के वॉइस ओवर से डिसएग्री करते हैं। उनके हिसाब से अगर कोई लड़की ब्लाइंड, डेफ और डम है तो फिल्म में उनके वॉइस ओवर का क्या काम। अमिताभ बच्चन को उनका एक भी क्रिटिक समझ नहीं आया। किसे पता था कि बॉलीवुड के सुपरस्टार और मेगा स्टार एक फिल्म पर एक दूसरे से इतने तेज तरीके से भिड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।